नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। सचिव मुख्यमंत्री और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। इस दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, ब्याज में धनराशि देना, ट्रांसफर आदि से संबंधित शिकायतें आई थी। आपको बता दें, जनता दरबार में जिले के बसगांव ग्राम से एक मामला सामने आया जिसमें गांव के मनोज सिंह ने लगभग 13 नाली 7 मुट्ठी भूमि मुरलीधर जोशी और जयकिशन जोशी से खरीदी थी। मनोज सिंह ने बताया, भूमि के असल मालिक से वो कभी नहीं मिले और इसी साल 16 अगस्त को नैनीताल सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री के लिए मिले। इसके साथ ही उन्होंने रजिस्ट्री में 14 लाख का चेक सबूत के तौर पर लगाया है जिसे खरीदार ने अभी तक नहीं भुनाया। गाँव वालों का कहना है, जिसके नाम पर भूमि दर्ज है उन दो व्यक्तियों को पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखा गया। बता दें, मामले की संदिग्धता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने रजिस्ट्री में बेचने वालों के आधार कार्ड की मौके पर ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जांच कराई, जिसमें दोनों के आधार कार्ड नंबर फर्जी पाए गए। जो मोबाइल नंबर खरीदार मनोज सिंह ने रजिस्ट्री में दिया है वो भी हरीश पांडे नामक व्यक्ति का सामने आया, जिसके नाम पर उसी दिन जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी हुई है, जो सीधे तौर पर जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी दर्शाता है। इस पर आयुक्त ने मामले को लैंड फ्रॉड समिति में रखने और गहन जांच पड़ताल की बात कही। बता दें, कमिश्नर दीपक रावत ने कहा, प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर दोपहिया वाहनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो, लेकिन कुछ लोग आज भी दोपहिया वाहनों में बिना हेलमेट और ओवरलोड होकर चलते हैं, जो उचित नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।